पितामह भीष्म जी की सैया पर लेटी हुई प्रतिमा है। मैं पहले भी दर्शन किया, आज भी दर्शन करने को मिला। यहाँ भगवान श्री असी माधव जी का स्थान है, उनके भी दर्शन किया। यह प्रयागराज ऐसा स्थान है जो शायद मैं ये कह सकता हूँ कि पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ ही यहाँ भगवान भोलेनाथ की आराधना, अभिषेक, वंदना स्वयं परमपिता ब्रह्मा जी ने शुरू की थी। ऐसे दशाश्वमेध मंदिर, यहाँ मनकामेश्वर मंदिर, बेड़ी माधव भगवान का मंदिर, माता ललिता देवी का मंदिर, माता आलोप शंकरी माता का मंदिर, मेरी गंगा मैया, यमुना मैया, सरस्वती मैया, मेरे हनुमान जी महाराज, यह सब ऐसा धार्मिक दृष्टि से केंद्र है। मैं सबका नाम नहीं ले सकता, हमारे आचार्य लोग बताएंगे, लेकिन हमारा प्रयास है प्रयागराज और प्रदेश के सभी तीर्थ स्थलों का समग्र विकास, जिससे देश और प्रदेश के किसी कोने से कोई तीर्थयात्री अगर प्रयागराज में आवे तो उसे लगेगे कि प्रयागराज में सब कुछ बदला कैसे है। तो उनको ये लगे कि जो हमने आशीर्वाद दिया था, उस आशीर्वाद के कारण केंद्र और प्रदेश में बीजेपी की, मोदी जी के, योगी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनी, उसके कारण ये बदलाव है। धन्यवाद। सतीश चंद्र मिश्रा जी ने कल कहा कि भाजपा दिखावा कर रही है ब्राह्मणों के लिए। मैंने अभी एक नारा सुनाया था, आपने उसको सुना नहीं।